फिर भी मेरे हाथ में आई हुई विजय तो मेरे हाथ से निकल गई ना मित्र। मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में नैतिकता के बाल की खाल निकालने नहीं आया हूं मित्र, मैं यहां एक युद्ध जीतने आया हूं। और युद्ध में विजय से बड़ा धन तो और कोई हो ही नहीं सकता। और यह भी ना भूलो मित्र कि मैंने पितामह और गुरु द्रोण की निष्ठा पर कभी भरोसा नहीं किया, किंतु तुम। मैं आयु में गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण से बहुत छोटा हूं मित्र दुर्योधन, इसलिए मैं वो सब बातें सहन नहीं कर सकता जो उन लोगों ने सहन कर ली। दुशासन हत्या का दुख मुझे तुमसे कम नहीं है। आज तक तुम भी पांडवों में से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हो, किंतु तुमने कभी अपने प्रति अपनी निष्ठा पर तो संदेह नहीं किया। मैंने तुम्हारी निष्ठा पर कभी संदेह प्रकट नहीं किया मित्र। इसी बात का तो दुख है कि तुम कदाचित ये जानते नहीं, परंतु तुमने मेरी निष्ठा पर संदेह प्रकट किया। यदि ऐसा नहीं है तो तुम बार बार सूर्यदेव पर क्यों चिल्ला रहे हो कि उन्होंने अस्त होकर तुम्हारे हाथों से अर्जुन का शव छीन लिया? क्या तुम नहीं जानते मित्र कि मैं कितने तनाव में हूं? जानता हूं, भली भांति जानता हूं मित्र, किंतु तुम ये नहीं जानते कि मैं कितने दबाव में हूं। पर तुम घबराओ मत, मैं कल फिर युद्ध करूंगा और कल का युद्ध इतिहास सदैव याद रखेगा। मित्र, मैं तुम्हारे तुणीर का एक वाण हूं और जब भी चलूंगा तुम्हारे लक्ष्य की ओर ही चलूंगा। तुम अपने अपमान को बार बार बीच में ना लाओ द्रौपदी, यह युद्ध तुम्हारे अपमान से बहुत बड़ा है। इस पीड़ा को समझने का प्रयत्न करो कि हम इस रणभूमि में अपने पूर्वजों का लहू बहा रहे हैं। तुम इसे अपने केशों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए होने वाला युद्ध समझने की भूल ना करो पांचाली। तुम्हारे केश अति सुंदर हैं, बहुत बड़े हैं, किंतु ना वो हस्तिनापुर से अधिक सुंदर हैं और ना ही वो हस्तिनापुर से बड़े हैं पांचाली। इसलिए अपने इन केशों में लगे हुए दुशासन के लहू को धो डालो। रक्त धमनी में अच्छा लगता है, धमनी से निकलकर वो शरणार्थी हो जाता है, असहाय, अनाथ। क्या मेरे अपमान का कोई अर्थ नहीं धनुर्धर? है प्रिय द्रौपदी, है, किंतु उतना नहीं जितना तुम समझ रही हो। तुम द्रौपदी हो प्रिय, तुम हस्तिनापुर नहीं हो, और यह कहकर मैं तुम्हारा महत्व कम नहीं कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें यह समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि हस्तिनापुर एक सागर है और तुम उस सागर की एक बूंद। तुम्हारे बिना वो सागर अधूरा है प्रिय, और यही तुम्हारा महत्व है। अपने अपमान को बीच में लाकर तुम अपना मूल्य कम ना करो, अर्थात तुम कर्ण वध नहीं करोगे। यह तुमसे किसने कह दिया? हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए कर्ण वध आवश्यक है। तुम केवल द्रौपदी ना बनी रहो प्रिय, तुम हस्तिनापुर के स्वाभिमान का प्रतीक हो। अपमान तुम्हारा नहीं हुआ था, अपमान हुआ था हस्तिनापुर का। मुझे तुम्हें दिया हुआ वचन याद है प्रिय, वो सूत पुत्र कर्ण कल का सूर्यास्त नहीं देखेगा।